हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये की में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है रोज़ कुछ ना कुछ, इसलिए लेट हो जाता है सेशन। वैसे मैंने कल से सेशंस को 10:15 करवा दिए हैं। जो ये मेरा नीट मगप कोर्स है 22 स्टेज के लिए, कल से 11th वाले बच्चों के लिए मॉर्निंग में 10:15 से आएगा, और 12th वाले बच्चों के लिए 12:30 का टाइम चेंज कर दिया। वो टाइम आज से ही एप्लीकेबल है, आज से ही वो शाम को 4 बजे से आएगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? चल नाउ स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ और पिछले 9 सालों से मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। दूसरी बात ये है बच्चों कि आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा स्केड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम डीकोड नीट को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नीट अकेडमी, जो कि यही है, एंड सेशन को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है, दूसरी बात यह है बच्चों, अभी प्लस पर अनअकैडमी सबसे पहले आप कुछ भी मत करिए, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप पर पढ़ाई कर सकते हो। कैसे पढ़ाई कर सकते हो, आप क्या करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस पे ये 4 बेनिफिट्स हैं। आप देखो, जब आप पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो ऐप के, तो आपके पास बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आप मुझसे चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसमें बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। उसमें आप पढ़ते भी हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है टीचर से, आप डाउट भी पूछे, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस भी होता है। ठीक है, मेरे भी प्लस पे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। 2 से 3 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगी बैच के साथ। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए इनरोल करना है तो आप बैचेस देखिए। ये आगाज बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 17 सितंबर से। नीट ड्रीम टीम, साकार बैच, मेधावी बैच, एम्स रैंकर बैच। मेरा बैच कौन सा है, नीट रैंकर्स। मेरे कोर्स का नाम क्या है, नीट रैंकर्स कोर्स फॉर 2022 एंड 2023। नीट रैंकर्स कोर्स फॉर 2022 एंड 2023, जिसमें मैं पूरी 11th 12th की बायोलॉजी कवर करवा रही हूँ। पूरी 11th 12th की बायोलॉजी मैं कवर करवा रही हूँ। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अब देखिए। अगर आप 13 सितंबर, मतलब जो कल थी, ये पूरे वीक पे एप्लीकेबल है। अगर आप इस बीच में सब्सक्रिप्शन लेते, मान लीजिए आपको मेरा सब्सक्रिप्शन लेना है या आपको किसी और एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन लेना है, बेनिफिट क्या है, आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेकर भी दूसरे एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है, पूरा वीक आपके पास स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है अनअकैडमी। अब आप बोलोगे कि मैम मैं कैसे सब्सक्रिप्शन लूँ। देखिए, सबसे पहले ऑफर क्या चल रहा है इस वीक में, कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट 20% मिलेगा। 10% तो पहले भी मिलता था, अब आपको एक्स्ट्रा 10% मिलेगा, 20%। ठीक है, ये नीट यूजी कॉम्पैक्ट है, ये भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही होता है। हर वीकली 11 बजे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको सब्सक्रिप्शन कैसा लेना है, पे फोन के प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। नीट यूजी कैटेगरी में चले जाइए आप। ठीक है, नीट यूजी कैटेगरी में आप चले गए। नीट यूजी कैटेगरी में जाने के बाद, नीट यूजी कैटेगरी में जाने के बाद आप प्लस को चुन लीजिए। प्लस के पास आइकॉनिक भी रहता है, बस आप चुन लीजिए। फिर आप क्या करिए, सब्सक्रिप्शन रेट्स देखिए। ये आपने सब्सक्रिप्शन रेट देख लिया। अभी इस वीक में क्या चल रहा है, मान लीजिए आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया कि मुझे मीतू मैम से 1 साल पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप मेरा कोड अप्लाई करिए, MB10।
ठीक है, अभी हाल फिलहाल इस वीक आपको हर मेरे कोड लगाने पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपने बोला नहीं मैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लूंगा एक या दो साल का, कोड लगा दीजिए MB10, कोड मेरा ये यूनिवर्सल है 20%। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? MB10 20% डिस्काउंट, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर किसी कारण आप नहीं भी ले पाते सब्सक्रिप्शन तो YouTube पे पढ़ लीजिए, पर YouTube पे फ्रेंकली स्पीकिंग डाउट क्लियरेंस नहीं होती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दी डाउट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, ये हमारा नीट मगअप कोर्स है क्लास 11th के लिए, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा देखते हैं, प्रोटिस्टा में क्लासिफिकेशन देख रहे थे। ठीक है, चलिए किंगडम प्रोटिस्टा में देखते हैं यूग्लिनॉइड्स। मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेग्नेंट वाटर, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकन, इट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब अगर चलो मैं आपको इसका एक पैटर्न बताऊं कि मैम आप इसका पैटर्न बताओ लिखने का, तो कैसे लिखोगे देखो। अभी आपने पूरा किंगडम पढ़ लिया तो उसके जो क्लासिफिकेशन के मेंबर्स होंगे उन पे भी यही बात एप्लीकेबल होगी। जैसे आपने कहा कि ओके वी आर गोइंग टू डील विथ द यूग्लिनॉइड्स, ठीक है ना, तो आप पहला इंट्रो क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखोगे इसका इंट्रोडक्शन? कि दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक, प्लांट लाइक, ठीक है, प्लांट लाइक। अब प्लांट लाइक होने का मतलब है कि पहला फीचर आंख बंद करके होगा कि इनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलो आगे पीछे भी है, मेनली अगर ये प्लांट लाइक है तो डेफिनेटली ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये अपना खाना क्या करते हैं खुद बनाते होंगे, इनके पास डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, और किने किने के बाद जो मेन फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा भी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे जैंथोफिल्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद इफ वी कंसीडर द हैबिटेट, अब प्रोटिस्ट क्या है? प्राइमरीली एक्वेटिक है ये, है ना, प्राइमरीली एक्वेटिक, तो यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई एक्वेटिक है, और कभी कभार ये प्रे को पकड़ने के लिए टेरेस्ट्रियल पे भी आ जाते हैं।
रेयर। हैबिटेट के बाद आप क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कैसी इसका शेप कैसा है अगर एक्सटर्नली देखें तो हम लोग, साइज नहीं पूछेगा कोई, लॉन्ग लॉन्ग इलोंगेटेड, जैसे ये आपका लॉन्ग भी है और इलोंगेटेड भी है। है ना ऐसा। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो डेफिनेटली ये एक यूकेरियोट है। अब यूकेरियोट में अगर आप सेल का ओवरव्यू देखें तो आप सेल एनवेलप पे आ जाओ। इन्होंने कहा है कि यहां पर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है जिसकी वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, हो सकता है इलास्टिन फाइबर ज्यादा हो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना, इज इट क्लियर। और क्या लिखोगे? देखो यहां पर अगर आप फ्लैजिला की बात करोगे तो दो फ्लैजिला होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। इनके पास डेफिनेटली थायलोकॉइड्स होंगे, मतलब यहां पर भी क्या होता है, थायलोकॉइड्स ही होते हैं। एज सच कोई भयानक आपको वेल डेवलप प्लास्टिड नहीं नजर आता है कि भाई ऐसे यू थायलोकॉइड्स के स्टैक्स होंगे और वो ग्रेनम बनाएंगे और फिर ये लोग जुड़ेंगे। मतलब थायलोकॉइड्स होते हैं, स्टैक्स में हो भी सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। ठीक है, अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, अदर पिगमेंट्स कलर भी देते हैं, लेकिन साथ साथ में अदर पिगमेंट्स कलर भी देते हैं, लेकिन साथ साथ में इन पिगमेंट्स को भी क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करिए। कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, इज इट क्लियर। तो न्यूट्रिशन हो गया आपको। अच्छा, न्यूट्रिशन में दो चार पॉइंट और लिखिए कि ये तो दिन की बात हो गई, जब सनलाइट है डे टाइम तब ये पिगमेंट्स एक्टिव होंगे, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेंगे और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। लेकिन अगर नाइट टाइम है, व्हेन देयर इज नो सनलाइट, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द पिगमेंट टू ट्रैप द यू नो दीज सनलाइट, तो यहाँ पर फ्लैजिला हेल्प कर रहा है मूवमेंट में। तो फ्लैजिला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिलरी मूवमेंट देगा और प्रे को कैच करने में, न्यूट्रिशन लेने में मदद करेगा। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? देखो,
स्लाइम मोल्ड्स का मतलब है कि दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, इस पर सच में दिख नहीं रहा है, इसको इस स्लाइड को स्किप कर देते हैं, कल पढ़ा दूंगी दूसरी तरीके से लिख के। प्रोटोजोअन्स क्या है? एनिमल लाइक, मतलब अगर आप स्लाइम मोल्ड्स को कंसिडर करेंगे तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने किंगडम प्रोटिस्टा में जिनके पास थोड़े फंगस से फीचर्स मैच करते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई भी फीचर फंगस से मैच करेगा तो उसका एक फीचर क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे बैठना। ठीक है ना? तो दे आर हिटरोट्रॉप्स, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव और रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, है ना? देर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। ठीक है, ये बात हो गई, आई मेरी बात समझ में? अब देखो, अगर अमीबॉइड है तो देखो ये उसका हैबिटेट हो गया कि वाटर में रहेगा। यूग्लिया में भी यही है, देखो प्रोटिस्ट विदाउट वाटर नहीं रह सकते, तो अगर ये टेरेस्ट्रियल मोड पे भी आएंगे तो इनको मॉइस्टनेस चाहिए और सॉइल में मॉइस्टनेस रहेगी। सो दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया। ऐसे इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा? सुडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, है ना? सुडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, है ना? अमीबा एग्जाम्पल, मरीन फॉर्म हैविंग सिलिका शेल्स ऑन देयर सर्फेसेस, सम आर पैरासाइट्स। ठीक है, फिर ये क्या है? फ्लैजिलेटेड, इनका क्या है? फ्लैजिला। फ्री लिविंग पैरासाइटिक, दे हैव फ्लैजिला, है ना? और पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, सिलिएटेड में मतलब सीलिया है, सिलिएटेड एक्वेटिक, एक्टिवली मोर यूजिंग सिलिया। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट, दे ओपन्स आउटसाइड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया, वाटर विथ फूड एंटर्स इन टू गलेट, पैरामीशियम, है ना? दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, प्लास्मोडियम, इट कॉजेस मलेरिया। तो ये जो प्रोटोजोअन्स हैं जो आपके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, एनिमल्स का जो सबसे कॉमन मोड होता है मैच करने का वो है हिटरोट्रॉफिक। एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत इजीली लोकोमोशन कर सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन ही लोकोमोटरी ऑर्गन पे उठाया। ठीक है, स्पोर स्टेज का मतलब है कि कोई गोलानुमा स्टेज होगा एंड इट इज मूवेबल एंड इट इज ट्रांसफरेबल। अब हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी फिर मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगी। देखो, किंगडम फंजाई, इट इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिक किंगडम ऑफ हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हमें प्योर हिटरोट्रॉफ्स मिल रहे हैं, प्योर हिटरोट्रॉफ्स मिल रहे हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेवर ऑटोट्रॉफिक होगा, इनके पास कोई थाइलोकोइड्स नहीं होंगे,
इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होगा, सो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कैचिंग द सनलाइट. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटिशियन, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटिशियन एंड दे अकर इन एयर वाटर सॉइल इन एनिमल्स एंड प्लांट. हर जगह पाए जाएंगे ये, एयर में भी पानी में भी. और मोस्टली फंगस की ग्रोथ कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. जब बरसात आती है तो आप कहते हो ना कि फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में. नाउ दे प्रिफर टू ग्रो इन ह्यूमिड एंड वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. अब देखो ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉड, जैसे ब्रेड है ना आपने बाहर रख दी, उस पर नमी आ गई तो फंगस ग्रो कर जाएगी, ठीक है. वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस, ये फंगल इन्फेक्शन है. ये पूरी लीफ को इसने अजीब सा वाइट कर दिया है, ठीक है. तो अगर आप इसमें भी कंसिडर करेंगे तो आप कैसे फंगस को लिखेंगे? इनके मैं मेन मेन पॉइंट्स लिखा देती हूँ आप लोगों को. पहला आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है. फिर आप लिखोगे हैबिटेट, देन स्ट्रक्चर, वही शेप, इंटरनल है ना, उसके बाद फिर क्या है आपकी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन. मेनली हमें इसमें न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, ठीक है. देन क्लासिफिकेशन, है ना, इज इट क्लियर? क्लासिफिकेशन होगा आपका. क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएंगे? जैसे फाइकोमाइसिटीज, जूमाइसिटीज, बेजिडियोमाइसिटीज, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेजिडियोमाइसिटीज और नहीं ये नहीं. यस, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है बच्चों. तो ये मेन मेन पॉइंट्स हो गए. अब मैं आपको बाकी का कल बताऊंगी. ठीक है, देखिए मैं अगेन कह रही हूं आप अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो. इस वीक में सब्सक्रिप्शन लेना बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप मेरा कोड यूज करोगे MB10 तो आपको 10% नहीं 20% डिस्काउंट मिलेगा, और ये सिर्फ इस वीक पे ही एप्लीकेबल है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि फ्री होती है, ठीक है. अगर वहां पर भी कभी कोई कोड पूछे तो MB10 कोड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है.
सेशन को लाइक शेयर करिए और मेरे स्केड्यूल्स को जानने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी मेरे स्केड्यूल्स का चल रहे हैं, मैं आपको वापस से बता देती हूँ। प्लस का मेरा स्टार्ट होने वाला है, उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। मैम मेरा मार्क्स 480 आ रहा है, एससी कैटेगरी में तो 480 अच्छा है, हो जाना चाहिए आपका। लेट द कट ऑफ टू बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रॉपर एनटीए, ठीक है। अब कल से क्या टाइमिंग है, ये बस सुबह वाली क्लास 10 का सवा 10 शिफ्ट करती है, जो कि 11th वाले बच्चों के लिए ईयर लॉन्ग, और आज से 4 बजे से 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। संदीप, मैंने आपको बोला ना एससी कैटेगरी में आपके सही हैं मार्क्स, काफी मिल जाना चाहिए आपको कॉलेज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।